प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलित पादानां भूमिरेव अवलंबनम् त्वय जात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति। ओम नम भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माश्च प्रपद्ये परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। ओ ठाकुर अभी पहले भोग जाने दो, भोग जाने दो, एक साइड का खुला रहने देना तुम्हें। यहां हम लोगों ने कल श्रवण किया कि गजेंद्र ने भगवान को नमस्कार किया है और नमस्कार करते समय उसने पुरुषाय आदि बीजाय इस शब्द को उन्होंने स्मरण किया। पुरुषाय आदि बीजाय मतलब हरि बोल। जो आदि बीज है, आदि बीज का मतलब कारण। कई लोग ये प्रश्न करते हैं पहले पेड़ हुआ या बीज हुआ, पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, सब लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन शास्त्र जो कहते हैं उससे पता लग जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है, पहले अंडा हुआ, पहले बीज हुआ। कैसे? ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड, जो ब्रह्म का अंड के रूप में प्रादुर्भाव हुआ वह ब्रह्मांड है। फिर आदि बीज, जितने भी बीज हैं, बीज उद्भूत हैं, सारे के सारे का आदि बीज, आदि उद्गम स्थान। तो बीज का मतलब अर्थ होता है उद्गम स्थान। तो जितने तरह के जीव हैं उन सभी तरह के जीवों का जो बीज स्वरूप है, भगवान गीता में कहते हैं
कि इस माया में बी अहम बीज प्रद पिता, तो पहले बीज हुआ सभी सृष्टि के प्राणियों के सबके लिए, पहले बीज है और उसके बाद में आगे की सारी क्रियाएं। तो बीज के बाद में जो अंडज हैं वो अंडज में भी, जैसे प्रथम बीज हुआ कौन, ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से निकले, तो नाभि कमल से निकलने के बाद ब्रह्मा एक तरह का सीड बने, तो ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी को जो बीज मंत्र मिला वो प्रणव था, उस बीज मंत्र से फिर ब्रह्मा जी ने जो सारी सृष्टि की, उसका सारी सृष्टि का बीज कौन बन गया, जो सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई उस सारी सृष्टि का बीज कौन बना, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का बीज कौन, भगवान। बीज शब्द का अर्थ होता है उद्गम स्थान, बीज शब्द का अर्थ है उद्गम स्थान। तो इसीलिए सभी जीवों का उद्गम स्थान, सभी तरह की सृष्टि का उद्गम स्थान जो है उन्हें कहते हैं आदि बीज। तो ब्रह्मा जी तो बीज हैं सृष्टि के, लेकिन आदि बीज नहीं। इसलिए उन्होंने कहा पुरुष है आय, मैं उस पुरुष की वंदना करता हूं, कौन की, आदि बीज आय। अच्छा, अब आदि बीज आय बोलने से तो सीधा सीधा भगवान, उस परम कारण भगवान की बात हो रही है जो ईश्वर नहीं है, परमेश्वर है। परेशा या भी धीमहि, जो परेश है उनका मैं ध्यान करता हूं। सबसे पहले उसने ध्यान किया। यहाँ स्वामी महाराज जी एक बात कहते हैं, कहते हैं देखो जब ये कहा गया पुरुषाय शब्द जब बोला गया, इसका मतलब निराकार नहीं है। जब निराकार नहीं है तभी वो पुरुष शब्द के द्वारा, तो पुरुष और स्त्री शब्द इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, कहते नहीं। पुर का अर्थ है घर, पुर का अर्थ है स्थान, जो इस आत्मा रूपी पुर में निवास करता है, शयन करता है, उसे पुरुष कहते हैं। इसलिए जब सृष्टि शब्द का अर्थ हम लोग समझने लगे तो एक बात समझने वाली हो जाती है कि कई संत लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है वो स्त्री वाचक है ना, स्त्री वाचक, आत्मा का मतलब स्त्री वाचक, तो फिर परमात्मा परम स्त्री वाचक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब आत्मा ना स्त्री वाचक है ना पुरुष वाचक है, आत्मा शुद्ध रूप से चित कण है और उसके कारण से क्या है, वह कभी कभी आत्मा को, जैसे परमात्मा के साथ प्रयोग किया तो आत्मा को आत्मा रहती है नहीं बोलते, आत्मा रहता है, ऐसा शब्द प्रयोग होता है शास्त्रों में, परमात्मा रहता है, रहते हैं, ये शब्द प्रयोग होता है। इसलिए जब पुरुषाय शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पे स्त्री और पुरुष शब्द का अर्थ नहीं लगेगा, यहां लगेगा जो ये संसार रूपी पुर है, जो ब्रह्मांड रूपी पुर है, जो अनंत लोकों का जो पुर है, जो अनंत वैकुंठों का पुर है, उस पुर में शयन करने वाला, जहां पुरुष का अर्थ होता है उस पुर को शासन करने वाला। नॉर्मली शयन प्रयोग करते हैं लोग बाग, लेकिन उस पुर में शासन करने वाला, जो उसके द्वारा शासित हो, वो पुरुषाय आदि बीजाय, ये शब्द थोड़ा सा प्रयोग किया। यस्मिन् इदं
यतश्चेदम येनेदम या इदम स्वयं वह यो अस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्मिन् इदम् यतः च इदम् येनिदम् कहते हैं जस्मिन् इदम् जिसके धरातल पर यस्मिन् जिसके इदम् ये विराट जो दिखाई दे रहा है विश्व जिसके द्वारा टिका हुआ है ये निदम जिसके द्वारा जिसके ऊपर वो है स्थित कहते हैं यह इदम जितना भी भौतिक कुछ भी दिखाई दे रहा है वो स्वयं ही है अस्मात् ये जो दिखाई दे रहा है वो स्वयं ही है और वही परस्मात् ये बड़ा ही कठिन वो है मेरे को ना वो जो चलिए दूसरा वो जो है जहाँ पे गौड़ीय वैष्णवों की व्याख्या नहीं है वो वाला भागवत होने से अच्छा है जिससे कि एक भिन्न दृष्टि दिखलाई दे यहाँ कह रहे हैं जिसके ऊपर ये ब्रह्मांड टिका है ये ब्रह्मांड और जिसके भीतर ये ब्रह्मांड है और जो इस ब्रह्मांड में है येन इदम जो इसमें है और या इदम जो स्वयं यही है या इदम स्वयं या अस्मात् परस्मात् च परः स्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम् ध्यान दीजिएगा बड़ा कठिन वो है समझना और समझाना सारा का सारा ब्रह्मांड जितने अनंत ब्रह्मांड है कहां है भगवान से कोई बाहर है तो क्या हो गया ये निदम जिसमें सब कुछ है और यस्मिन् इदम जिससे सब कुछ है जिसमें है जिससे है और जो स्वयं ही है आप एक कल्पना करके देखिए पहले तो कोई दृश्य नहीं था पहले कोई दृश्य नहीं था जब दृश्य नहीं था तब भी वो था जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कहते जिसकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं पहले श्लोक में उन्होंने ध्यान किया है उसका फिर उनके शरण ग्रहण किए तो कहते हैं जब कुछ भी जिसका जिससे पहले नहीं था और जिसकी इच्छा से हुआ है तो कहां से हुआ बाहर से तो नहीं हुआ जिससे हुआ जिसमें हुआ जिसके द्वारा हुआ तो वो वही हुआ ना उससे अलग तो कुछ है ही नहीं इस दृष्टि से कहते हैं इस बात को कि मैं उसे प्रणाम करता हूं तो यहां आगे व्याख्या में श्री स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं उसे हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मैं भगवान हूं किंतु सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है जिस प्रकार मट्टी का पात्र मट्टी पर निर्भर रहता है जिस प्रकार मट्टी पर ही टिका रहता है वो मट्टी ही होता है मट्टी का पात्र किससे बना मट्टी से बना किस पे टिका मट्टी पे टिका किस में है मट्टी में है स्वयं क्या है मट्टी ही है कहते हैं ये मट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है जिसका शरीर मट्टी का बना होता है कुम्हार का चाक जिससे मट्टी का पात्र बनता है मट्टी का अंश होता है उसमें मट्टी का ही अंश होता है जो भी चीज है जो दिखलाई दे रही है उसमें दो चीजें होंगी तभी दिखलाई देगी एक आग आग होगी तो दिखलाई देगी जल होगा तब दिखलाई देगा पृथ्वी होगी तब जिसमें अग्नि नहीं है ये ध्यान योग्य देने योग्य बात जिसमें अग्नि नहीं है वो कभी दिखाई नहीं दे सकती
मतलब जो आपको दिखलाई दे रहा है उसमें आग है। बात समझ रहे? तो जो अग्नि तत्व है वही दृश्य को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो कुछ हमें स्थूल रूप से दिखाई देता है, मतलब सॉलिड दिखाई देता है, उसमें डेफिनेटली मट्टी है तभी सॉलिड रूप से दिखलाई दे रहा है, नहीं तो जल है। अगर मट्टी नहीं है तो वो जल है। नहीं, बात को समझ रहे? तो अगर सॉलिड रूप से ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, ये सारा का सारा कुछ किस्सा है, ये दिखाई दे रहा है, इसका मट्टी है। तो मट्टी से बनाने वाले चाक को उसका वो साइलेंट कर दें, ऊपर से ऊपर से। मट्टी से बनाने वाले बर्तन को मट्टी में बना रहा है कुम्हार, वो कुम्हार में भी मट्टी का ही अंश है, जो चक्का है उसमें भी मट्टी के अंश है। तो यह बात बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है स्वामी महाराज जी ने। कहते हैं जैसी कि श्रीमंत से पुष्टि होती है, यतो वा इमानी भूतानी जायंती येन जातानी जीवंती यत पर्यंत अभी अभिसन विशंती तद्विद जिज्ञास तदैव ब्रह्म। कहते हैं प्रत्येक वस्तु का मूल जो है, जड़ जो है, बीज जो है, कारण जो है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो उस परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता। इससे एक चीज उसने क्लियर कर दी गजेंद्र ने कि मैं तुम लोगों की नहीं कर रहा, जो देवी देवता है इनकी नहीं कर रहा, क्योंकि तुम भी किसी पे टिके हो, जिस पे तुम टिके हो उस परम टिकाव जो सनातन है उस आदि पुरुष की मैं शरण ग्रहण करता हूं। कहते ईश्वर, अच्छा प्रकृतिम यान्ति मामेकाम, भगवान ने गीता में ये बात कही कि सारी प्रकृति यान्ति मामेकाम, सारी की सारी प्रकृति जब विलीन होती है तो मुझी में हो जाती है, मुझी में चली जाती है। तो इस श्लोक से जितने भी बहिरअर्थ करने वाले, बाहर का अर्थ समझने वाले, वो लोग इस श्लोक से क्या अर्थ लेते हैं कि सारी सृष्टि में रब ही रब है, परमात्मा ही है, और कुछ है ही, तू भी राम मैं भी राम, जहां भी देखूं वही है राम, राम जी राम राम, ऐसा बोलते हैं वो लोग, तुझ में राम मुझ में राम, जहां भी देखूं वही है राम, राम जी राम राम, आगे राम पीछे राम ऊपर नाम नीचे राम, राम जी राम राम, कीर्तन है ये, गाते हैं लोग हैं, हाँ सब में राम समाया। अब ध्यान देने वाली बात है, बात तो गलत नहीं है वो, लेकिन सही भी नहीं है, गलत नहीं है सही नहीं है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अगर सही होती ये बात तो गजेंद्र किसी की शरण में नहीं जाता है, अगर सही होती ये बात तो गजेंद्र किसी की शरण में नहीं जाता, क्यों गया वो, क्यों ढूंढ रहा है किसी की शरण? भाई तेरे को तो इतना ज्ञान है कि सब कुछ उन्हीं से हुआ है और सब कुछ वही है, तो कहे मैं वही हट बंधन मुक्त तो हो जाता है, नहीं तो हुआ नहीं। जो गजेंद्र ने ज्ञान प्रकट किया है वो तथाकथित ज्ञानियों की चरम अवस्था का ज्ञान प्रकट किया है। मैं तथाकथित इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, जो वास्तव ज्ञानी है वो परम पुरुष परमात्मा को मानते मानते हुए उन्हें अपने आप को ब्रह्म में विलीन करने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म में समर्पित होने का निवेदन करते हैं कि हमें आप अपने आप में विलीन कर लीजिए, वो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो वास्तविकता में ब्रह्म ज्ञानी है, वो वास्तविकता में भगवान को शरणागत होते हैं। उनको छोड़कर के तथाकथित ज्ञानी जो अपने आप को कहते हैं हम ज्ञान मार्गीय हैं, ज्ञान ही सबसे ऊंचा, ज्ञानी की महिमा अपरंपार,
ज्ञानी तो कोई ना ऊंचा, गुरु नानक देव जी महाराज ने कई बातें कही, लेकिन सोचने वाली बात है वो ज्ञान जिस ज्ञान में तुम्हारी शरणागति नहीं हो रही है वो ज्ञान अज्ञानता का परिचायक है। ये गजेंद्र के अंदर विशेषता है कि वह सब कुछ जानते हुए कि जितने ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह सब कुछ है, मैं हूं, ये शरीर है, सब कुछ जितना कुछ भी है सब उसी का है, उसी में है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए है। गुरु जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे, कहते ये हाथ मेरा है, मुझसे है, मुझ में है, ये हाथ मेरे लिए है, लेकिन अगर मुझको ना मान के ये नॉन कोऑपरेशन करेगा, यहां से नॉन कॉरपोरेशन सत्याग्रह आंदोलन करेगा तो इसको कोई भी सुखी नहीं बना सकता। ठीक इसी प्रकार से यहां पे गजेंद्र ने बड़ी सुंदर बात कही कि सब कुछ वहीं पे स्थित है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, निश्चित रूप से सब कुछ ब्रह्म है। स्वामी महाराज जी व्याख्या में कह रहे हैं मस्थानी सर्वभूतानी ना चाहम ते अवस्थितः, यद्यपि भगवान सब कुछ हैं किंतु उनका व्यक्तित्व विराट विश्व से पृथक है। ध्यान दीजिएगा इस बात में, कहते वो सब कुछ हैं होने पर भी वो उनसे पृथक हैं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अब सोचना इस बात को, सारी की सारी अगर ऐश्वर्य, कैसे समझाऊं, माना जाए जितने भी नोट हैं सब नोटों पे गवर्नर के साइन है, तो सारे का सारा किसके द्वारा छापा गया है? गवर्नर के द्वारा। लेकिन क्या गवर्नर ने छापा, क्या गवर्नर का उसमें कोई संबंध है, कोई लिंक है कि छापे लेकर के बैठा रहे, साइन करता रहा, कुछ भी तो नहीं। तो गवर्नर का होने के बावजूद भी गवर्नर का कुछ भी नहीं है, उसके अंडर में है। इसी प्रकार से भगवान का सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान का उससे कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो स्वयं उससे पृथक हैं। उनसे तो है, उनमें तो है, लेकिन वो नहीं है। ये उंगली मेरे से तो है, मेरे में तो है ये उंगली, लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे से अलग भी नहीं हो सकती ये चीज। यस्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितं अविद्ध दृक्षाक्षु उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु माम परात्पर। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। या स्व आत्मनिदम, या स्व आत्म इदम, जो स्वयं ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्वयं ही है, इदम मतलब ये, स्व मतलब स्वयं, आत्म मतलब आत्मा, जो स्वयं आत्मा के रूप में जहां स्वयं इस दिखलाई दे रहा जो जगत है उसमें है। निज माया अर्पितम, कहते हैं अपनी शक्ति के द्वारा जो अर्पितम, यहां लगा हुआ कहा है लेकिन लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जो इस जगत में अपनी शक्ति के द्वारा युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, शक्ति के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे इस वक्त लोग यहां पे मेरे मोबाइल से कनेक्टेड होकर के जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं? मोबाइल से। किससे जुड़े हुए हैं? मेरे से। डेफिनेटली वो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे से जुड़े हैं,
लेकिन क्या वो मेरे से जुड़े हैं? मेरे से तो जुड़े नहीं। मोबाइल से जुड़े? मोबाइल से भी नहीं जुड़े हुए। क्या इंटरनेट से जुड़े? इंटरनेट से भी नहीं जुड़े हुए। वो जुड़े हैं तो उपदेशों से जुड़े हैं, वो जुड़े हैं तो कथा से जुड़े हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, भगवान के लिए बोल रहे हैं कि जो आत्मनिदम, वो अपने आप को जिन्होंने इदम इस संसार में दे रखा है, कैसे दे रखा? माया अर्पितम, माया के द्वारा भगवान ने अपने आप को इसमें प्रवेश दिया हुआ है। समझ लगे? नहीं लगे, ऊपर से निकल गया। जिन्होंने अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, माया मतलब अपनी शक्ति के द्वारा अपने आप को यहां दिया हुआ है, इदम दिया हुआ है, लेकिन इनसे परे है। जैसे मैं इस वक्त लाइव हूं सारे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए, जो भी जहां से भी देखना चाहे, तो मैं उनके लिए वहां पे हूं, प्रस्तुत हूं, परंतु वास्तविकता में ये शक्ति के द्वारा है। इसी प्रकार से भगवान ने अपने आत्मनिदम, अपनी आत्मा को इदम इस जगत में निज माया अर्पितम, अपनी माया के द्वारा अर्पित किया हुआ है, दिया हुआ है। और क्या? क्वचित विभातम, कभी कभी दिखलाई देते हैं वो, क्वा च तत् तिरोहितम, और कभी कभी वो तिरोहित हो जाते हैं। क्वचित विभातम, क्वच तिरोहितम का अर्थ क्या है? कहते कभी कभी वो किसी किसी भक्त के हृदय में प्रकट होकर के ना जाने कितनों का कल्याण कर देते हैं, और कभी कभी उसी भक्त को आनंद देने के लिए विरह का तिरोहित हो जाते हैं कि गुरुजी भगवान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा फील होता था। तो उस प्रकार से क्वचित विभातम, कभी कभी वो भक्तों के हृदय से जीवों को भासित होते हैं, जीवों को दिखलाई देते हैं। और ऐसा होने से क्यों ये दिखलाई दे रहे हैं? जैसे अभी ये नेट के ऊपर मैं दिखलाई दे रहा हूं, क्यों दिखलाई दे रहा हूं? क्योंकि मैं हूं सामने, तभी तो दिखलाई दे रहा हूं। मैं अगर हूं ही नहीं तो दिखलाई कहां से दूंगा? मैं अगर ना हूं तो दिखलाई दे ही नहीं सकता। तो क्वचित विभातम का मतलब यह है कि भगवान कभी कभी दर्शन देते हैं। कहां पे? जड़ जगत में। कहते भाई जो है ही वो कभी कभी दर्शन दे क्या मतलब बना? कहते नहीं, इसको समझना होगा, वो माया के द्वारा अर्पित है, माया के द्वारा प्रकट है, माया मतलब अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट है, शक्ति के द्वारा वो वहां पे है, साक्षात नहीं है। ये सारा का सारा प्रकाश जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, उसी के द्वारा चल रहा है। हम पंखा चला देंगे तो हमें ही ठंड लगेगी, हीटर चला देंगे ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी, हीटर चलाने से ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी, वो अंदर बीमारियां हमारे ही आएंगी। अगर अपने कपड़ों को ढक लेंगे तो गर्मी हमको अपनी नेचुरल मिलेगी। बात को समझना इस चीज को। करंट वही है, उस करंट का सदुपयोग और दुरुपयोग ये हमारे हाथ में। भगवान की माया शक्ति वही शक्ति है, लेकिन वही शक्ति का जब सदुपयोग होता है तो उस शक्ति के द्वारा हम उस परमात्मा को देख पाते हैं, और वही शक्ति को जब हम समर्पित नहीं होते, जहां उसके विपरीत चलते हैं, वही शक्ति महामाया का कार्य करती है, अथवा भगवान जो है तिरोहित होते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि भगवान कभी कभी विभातम इस जगत में साक्षात आ जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ है कि भगवान कभी कभी इस जगत में साक्षात चक्षुओं के आगे प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक अनंत अवतार हुए भगवान के, कितने ही अवतार है, सबसे ज्यादा अवतार कौन से युग में हुए? सतयुग में, उससे कम त्रेता, उससे कम द्वापर, और सबसे कम कलयुग में। कलयुग में कितने अवतार हैं? हुँ?
कलयुग में भगवान के साक्षात अवतार और भगवत पार्षदों के अवतार बहुत से हुए। नारायण अवतार जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर नारायण अवतार, शिव अवतार, अद्वैताचार्य और संप्रदाय, श्रीमद् रामानुजाचार्य में साक्षात भगवान लक्ष्मण प्रकट हुए, भीमसेन के अवतार साक्षात मध्वाचार्य जी प्रकट हुए, निम्बार्काचार्य जी महाराज साक्षात सुदर्शन चक्र के अवतार प्रकट हुए। इस प्रकार से कलयुग में भी अनेकों अवतार हुए और वर्तमान में भी कोई ना कोई भगवत अवतार किसी ना किसी भक्त के हृदय से जीवों पर कृपा कर रहा है, समझे ने? इसलिए यहां कहते हैं क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम वंशकल्पतरुष्य कृपा सिंधुभ्य पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अभी आधा श्लोक हुआ, आधा कल करें। वो वाला माइक दे देना। खोल बजाने वाला कोई नहीं, खोल बजा वाला लोग नहीं। हरी बोल। उसको बुला लो जो आया बाहर से। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेन मे उद्वेगे दिवसना उद्वेगे दिवस ना जाए क्षण है लो युग सम वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्षे गोविंद विरहे शून्य हैला त्रिभुवा तुषणले पुड़ेन न जाए I know.
संसार मोर ये हरी आरे संसार नहीं लागे भालो आरे संसार नहीं लागे कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता जीवन
निमेषा हाईला
से धरी बोपरा, ये माते धरी बोपरा, ये माते धरी बोपरा, तमसितसिता निशयोग्य वेशां प्रदूषे नृत्यवृन्दोपदेशाद्भिसृत यमुनातीरकल्पादकुञ्जं कृष्णे कृष्णगोप्यसभायां विहितगुलीकणालोकनं स्निग्धमात्राद् यत्नादानीया शांशायितमथ निभृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। महाराज जी रुक जाओ। राधा वृंदायुपदेश यमुना पकुल देशे, राधा वृंदानुपदेश सांकेतिक कुंजय विसारे, सांकेतिक कुंजय
सीता सीता निशायोग्य हरिवेश कृष्णा योग्य सभा मधु हरि नाना गुण कलाही रे अरे मातृ अपने करी न शायाना राधा संग संगरिया निवृत बही रहैया राधा संग संगरिया रक्त कुंज करी स्मरणा अश्लिष्य वापाद्रताम पनिष्टम मम दर्शनात् मर्मताम करोतु वा यथा तथा वद विदधा तुल्यं पटो मत प्राणनाथ अस्तु सैव नापर आमि कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसाथ आमि कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसाथ आलिंगिया करे आत्मसाथ दीवाना दे दर्शन न जाने मोर तनु दीवाना दे दर्शन न जाने मोर तनु प्रभु ते हो मोर प्राण नाथ 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 रात्रंति तस्ताहा ताभुक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणे वृंदे आराध्य मानो पृष्ठाल वीर संतो विपिन विहरणे गान रासा दिलासे नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंद संसेव्य मानो राधा कृष्णो निशायां सूक्ष्म शयने प्राप्त निद्रो स्मरा दिखा देते दर्शन मान ऑफ करो Yeah.
परानंद हासे सखी गान परानंदे सखी सुखशयना स्मरी रमना भगवान की जय। जय हो नित्यानंद।